नाग का बच्चा गुमसुम बैठा था। नाग उसके पास आया और बोला, क्या हुआ मेरे बच्चे, तू उदास क्यों बैठा है? बच्चे ने कोई जवाब नहीं दिया। नाग वहाँ से चला गया। नाग ने बच्चे को उसके पसंद का भोजन लेकर दिया, पर बच्चे ने उसे नहीं खाया। नाग नागिन के पास गया और उससे बोला, सुनो, तुमने तो मेरे बच्चे से कुछ नहीं कहा है। नागिन ने साफ मना कर दिया। एक पिता से उसके बच्चे की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी। नाग बेचारा कोई रास्ता ना पाकर जादुई भालू बाबा के पास गया और उन्हें अपने बच्चे के गुमसुम रहने के बारे में बताया। जादुई भालू बाबा ने अपनी दिव्य शक्ति से सब देख लिया। बाबा बोले, नागिन तुम्हारे बच्चे को पीड़ा पहुंचाती है और ये बात तुम्हें बताने पर दोनों को मार देने की बच्चे को धमकी दी है। ये सुन नाग नागिन के पास गया और बोला, तूने वो कहावत सच कर दी, सौतेली माँ सौतेली ही होती है।